नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि लगातार वैक्सीन जो है तो लगती रही अभी तक सिर्फ 18 साल से हम उम्र लेकर के वृद्धावस्था तक, लेकिन अब जो है देखने को मिल रहा है कि अब वैक्सीन जो बच्चों को नहीं लग पा रही थी, बच्चों को भी अब वैक्सीन लगेगी। जहां आप लोगों को बता दूं कि केंद्र सरकार का जो फैसला आया था अभी दो दिन पहले, जो आप लोगों को देखने को मिला कि बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी, वहीं डॉक्टरों का भी फैसला है कि बच्चे भी, जो कि आप लोगों को बता दूं कि 15 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर देखा जा रहा है कि वो किशोरावस्था में उनकी गिनती होती है, बच्चों में नहीं। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं ज्यादातर घूमते हैं, उनको कहीं ना कहीं संक्रमण उन्हीं की वजह से भी फैलता है और वो भी संक्रमित होते हैं, जिसको लेकर के डॉक्टरों के द्वारा और वैज्ञानिकों के द्वारा यह देखा जा रहा है कि अब जो है तो वैक्सीन उनको लगवाना बेहद ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी मरने में अब शामिल हो रहे हैं, जहां मृत्युदर में भी इनकी अब गिनती होने लगी है। बड़ी खबर है जो आप लोगों को मैं पूरी खबर बताना चाहूंगा। बता दूं कि बच्चों को 4 सप्ताह के अंतर पर दोनों डोज जो है तो लगाई जाएंगी। जहां पूरी जानकारी बता दूं कि देश में 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार ने यह फैसला नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया है। केंद्र सरकार की कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर एन के अरुणा ने रविवार को कहा है कि बच्चों को भी बड़ों की तरह ही 4 सप्ताह के अंतर पर वैक्सीन की दोनों डोज दी जाएगी। उन्होंने इसे बेहद उचित और समय पर किया गया फैसला बताया है। साथ ही इस फैसले को अवैज्ञानिक बताने वाले को भी दावा को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले रविवार को एम्स के सीनियर डॉक्टर संजय के राय ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने इस फैसले को असाइंटिफिक यानी कि अवैज्ञानिक बताया है। डॉक्टर राय एपिडेमिकोलॉजिस्ट और इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। माना जा रहा है कि डॉक्टर अरुणा ने अपने बयान में डॉक्टर संजय के दावे को ही खारिज किया है। बता दूं कि डॉक्टर अरुणा ने कहा है कि 12 से 18 साल तक की उम्र वालों बच्चों को बॉडी बिहेवियर बहुत हद तक वयस्कों जैसा ही होता है। देश में कोविड-19 के कारण हुई कुल मौत में से 2/3 इस उम्र वाले बच्चों को भी कहीं ना कहीं अब वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में इस उम्र वाले किशोरों को भी बचाव की ज़्यादा ज़रूरतें हैं। वे सब जगह घूमते रहते हैं और उनका संक्रमित होने का बेहद रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है। डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि बच्चों का वैक्सीनेशन करने में कोई विशेष मेहनत नहीं करनी होगी। यह बेहद कम उम्र में बिना किसी अतिरिक्त तैयारी के शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को वैक्सीनेशन की दोनों खुराक देने के लिए 4 सप्ताह का अंतर रखा जाएगा। यह ठीक उतना ही होगा जितना वयस्कों के लिए रखा गया था। बता दें कि सरकार की तरफ से बच्चों को भारत बायोटेक की वैक्सीनेशन की डोज देने की उम्मीद है। वयस्कों को भी कोवैक्सीन की डोज 4 सप्ताह के अंतर पर ही लगाई गई थी। ये सारी चीजों को देखते हुए अब ये लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और बच्चों को जो वैक्सीन नहीं लग पा रही थी, बच्चों को वो वैक्सीन लगेगी। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि ओमिक्रॉन जो है तो इसमें बच्चों को भी ले डूबा रखा। जहां 12 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं वाकई में कहीं ना कहीं घूमते हुए ही नजर आते हैं, कभी मार्केट में कभी कहीं और, लेकिन लापरवाही ये है कि कोई ही मास्क लगाने को तैयार बिल्कुल नहीं है। और वहीं देखा यह जाता है कि इनको सबसे ज्यादा संक्रमण फैलने के आसार दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इनको अभी तक वैक्सीन भी नहीं लगी हुई थी। लेकिन देखा यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं आधार कार्ड की अगर बात करें तो कुछ आधार कार्ड पर ऐसे भी लोग थे, या मार्कशीट की देखा जाए तो ऐसे कुछ लोग थे जिनकी उम्र कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन आधार कार्ड में अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, जिसके कारण अभी तक वैक्सीन नहीं लग पा रहा था। अब देखा यह जाएगा कि वैक्सीन लगने के बाद बच्चों के अंदर क्या स्फूर्ति रहती है, क्या ये वैक्सीन सफल रहता है या नहीं। जल्द मिलते हैं एक अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।